आदमी पार्टी जिला गुना के चाटौड़ा विधानसभा प्रभारी दीपक कुमार गुप्ता के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया है। आज जिला मुख्यालय पर पहुंचकर पीड़ित दीपक कुमार गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले से अवगत कराया, साथ ही इस मामले में संलिप्त पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा उन्हें अनुचित रूप से परेशान किया जा रहा है, साथ ही पुलिस ने चाटौड़ा क्षेत्र में कई अन्य राजनीतिक पार्टियों को खुली छूट दे रखी है कि वह कुछ भी करें, उनके विरोध करने पर इसी तरह से जनता को परेशान किया जाता है। अब देखने लायक होगा कि पुलिस अधीक्षक इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। ये क्या पुलिस द्वारा मनमानी की जा रही है? कुछ अनैतिक जो राजनीतिक संरक्षण है उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और जिस पर भी चाहते हैं मनचाना केस लगा देना, कुछ भी कर देना, परेशान कर देना, पैसों को उगाना, और जो अनुचित कार्य चल रहा है उनको तो बंद करवा नहीं पा रही है, और जो अच्छे व्यक्ति हैं जिनको छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा कार्य पुलिस द्वारा किया जा रहा है, और राजनीतिक दबाव के कारण और पुलिस की मनमानी के कारण कल में भी उनका शिकार हो गया। उन्होंने भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की, इसकी शिकायत के लिए हम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आ जाए।